जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कासगंज में बड़ा हादसा हो गया है। और दोस्तों बता दें कि इस हादसे में अब तक कई लोगों की मौत होने की खबर आ चुकी है। तो आइए इस पूरी बड़ी खबर को विस्तार से जानते हैं, आखिरकार कैसे यूपी के कासगंज में बड़ा हादसा हुआ है। दोस्तों बता दें कि यूपी के कासगंज में बड़ा हादसा, तालाब में जा गिरी श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर और टाली। दोस्तों बता दें कि यूपी के कासगंज में यह बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर और जा रही थी, अचानक तालाब में गिरने से कई लोगों की मौत होने की खबर आ रही है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार इस बड़े दर्दनाक हादसे में कितने लोगों की अब तक मौत हुई है। दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश के कासगंज में यह बड़ा हादसा तो हुआ है, जहां श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर और टाली तालाब में जा गिरी है। हादसे में 12 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। हादसे में मरने वालों में महिलाओं और बच्चे भी शामिल है। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने जा रहे थे और अचानक ट्रैक्टर और टाली जाकर के तालाब में गिर गई, जिसमें से अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। और बता दें कि मरने वालों में से महिला और बच्चे भी शामिल थे, जो कि गंगा स्नान करने जा रहे थे और अचानक श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर और टाली तालाब के पानी में गिर गई, जिसके कारण से उस हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस बड़े हादसे में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, साथ ही साथ लोग भी इसमें शामिल थे, जिसमें से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और प्रशासन द्वारा और भी लोगों की तलाश की जा रही है। बाकी लोग उस पानी में अब तक लापता है, तालाब में लापता है। तो ये बेहद दुखद खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज की आ रही है। बता दें कि ये सभी लोग गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे थे, सभी श्रद्धालु गंगा में स्नान करने जा रहे थे और अचानक ट्रैक्टर और टाली फिसलने से तालाब में गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि यह जानकारी औरों के पास पहुंच सके और वो भी आज के इस बड़ी खबर की वीडियो से अपडेट हो सके। तो ऐसे में आप इस खबर को सुनकर के क्या कहना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसी खबर के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।